प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर को पत्र लिखकर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की धारकंडी के किसानों की सहायता करने के लिए सुझाव भेजे हैं। पठानिया ने कहा कि धारकंडी क्षेत्र में जनता की आजीविका लगभग पशुपालन से ही होती है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते डेढ़ माह से इनकी आजीविका पर गहरा असर पड़ा है, जिससे आजकल दूध खोआ पनीर नहीं बिक रहा है और इनकी आमदनी बिल्कुल रुक चुकी है, जो संपूर्ण जिले में अपना दूध खोआ और पनीर की आपूर्ति करते थे। कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में भी ये किसान कारोबार करते थे। लॉकडाउन के कारण वे दूध और खोआ बेचने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। पठानी ने कहा कि वे सरकार से अपील करते हैं कि सरकार के माध्यम से उत्पादों की डिलीवरी लेने के लिए दुग्ध यंत्र का वाहन दुग्यारी एचपी और डेयरी फार्म की बिक्री में उनकी मदद करे और सरकार इनको कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान करे, ताकि ये अपने नुकसान की भरपाई करके अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। पशुपालन मंत्री जी को हमने एक विनम्र प्रार्थना की है और एक पत्र लिखा है, जिसमें कि खासकर मेरी द्रीणी वो और लेड़ कनोल कुठारना बेतलू करेरी बलेड़ इन पंचायतों में पिछले लगभग डेढ़ महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ का बेसिकली जो वेशभूषा लोगों की जो आमदनी है, खासकर हर घर में जो है चार पाँच छः या गायें हैं या भैंसे हैं, उनकी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी इनसे ही चलती थी और इनसे इनको आमदनी होती थी। डेढ़ महीने से इस इलाके में ना ही वर्तमान मुख्यमंत्री से हमने अनुरोध किया है कि इस इलाके में जो दूध पैदा होता है उसका वो खोआ बनाते थे, और जो मेरा मैंने सारे जो हमारे खोआ जो बेचते थे जिले कांगड़े या ऊना हमीरपुर जाकर लगभग 70 क्विंटल खोआ जो है एक महीने के अंदर इस झारखंड इलाके से हमारा जगह जगह पर जाता था। तो हमने विनम्र प्रार्थना की है कि या तो इस खोए का मार्केट हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन जो हमारी है उसके द्वारा ये खरीदा जाए, अन्यथा जो जगवार के अंदर मिल्क प्लांट है, हमें चाहते हैं कि हर दिन नहीं तो दूसरे दिन गाड़ी जो इन इलाकों में जाए और वो दूध को कलेक्ट करके लाए और उनका जो दूध का जो वर्तमान रेट सरकार द्वारा फिक्स किया गया है उन किसानों को वो वहाँ पहुँचे, उन जो हमारे डेयरी का काम करते हैं वहाँ तक पहुँचे, जिससे कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो ठीक तरीके से चले। मेरे को ये भी ज्ञात हुआ है कि आज पिछले कोई 8-10-15 दिनों से वो दूध इतना वेस्ट हो रहा है, क्योंकि कहीं वो कहीं छाछ या कहीं घी का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में जो वो तूड़ी या जो फीड लेते हैं, फीड लेना उनको मुश्किल हो गया है। तो माननीय हमारे वीरेंद्र कंवर जी हमारे एनिमल हस्बेंड्री मंत्री हैं, उनको मैंने पत्र लिखा है कि आप इस मामले में इंटरवीन करें। वहाँ में इन जिलाधीश को मैंने कॉपी की है कि इस धारकंडी की समस्या को जो है जरूर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंत्री इसमें इंटरव्यू करेंगे। जहाँ तक पूर्व सरकार में इस इलाके में वेटनरी हॉस्पिटल तक नहीं था, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह की सरकार में हमने वेटनरी हॉस्पिटल दिया है। हमारी इस चिट्ठी से विनम्र प्रार्थना यही है कि ये जो दूध से रोजी रोटी कमाने वाले हैं, इनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी को भी जो है एक तो पीछे आर्थिक थोड़ा बहुत इनको आर्थिक सहायता दी जाए और दूध के बेचने का इंतजाम जो है वर्तमान सरकार करे।